हाय गाइस गाइस, अगर आपको इंटरनेट पे कोई कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, और उस वेब पेज के कंटेंट को आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनेट के किसी भी वेब पेज के कंटेंट को आप पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं। गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई ब्लॉग का कोई आर्टिकल कोई कंटेंट पढ़ते रहते हैं और आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसको दोबारा से पढ़ने के लिए फिर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि आप हमेशा उसे पढ़ सकें। ठीक है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मनपसंद वेब पेज के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं ताकि आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के कभी भी उसे ओपन करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे किसी भी वेब पेज के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। ठीक है, अब गूगल क्रोम ओपन हो गया। यहाँ पे आपको जिस आर्टिकल वेब यानी जिस वेब पेज का कंटेंट आपको पसंद है उस वेब पेज को एक्सेस करना है, यानी उस वेब पेज को यूआरएल एड्रेस बार में ओपन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले वेब पेज ओपन कर लेता हूँ। कोई एक वेब पेज का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, ये है। चलिए मैं मान लीजिए मैंने इसे ओपन कर लिया। ठीक है, ये वेब पेज है जिसका कंटेंट मुझे पसंद है और मैं इसी को सेव करके आपको बताता हूँ कि कैसे किसी भी वेब पेज के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है। ठीक है, तो ये वेब पेज है। ठीक है, और इसका कंटेंट मान लीजिए कि आपको पसंद है, तो कैसे आप सेव कर सकते हैं, आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ राइट साइड में थ्री डॉट आइकन है। ठीक है, इस थ्री डॉट आइकन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है ऑप्शन आता है यहाँ पर प्रिंट का। ठीक है, आप CTRL+P प्रेस करके भी आप प्रिंट ऑप्शन को दे सकते हैं। ठीक है, ये कमांड शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, या फिर आप प्रिंट यहां से थ्री डॉट आइकन पे जाकर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो वेब पेज का कंटेंट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रीव्यू होने लगेगा, यानी आपको दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि लोडिंग प्रीव्यू हो रहा है, यानी अब क्या है, जो वेब पेज जिसको आपने प्रिंट ऑप्शन दिया है वेब पेज पे जाके, वो वेब पेज का कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे दिखने लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट है वेब पेज का वो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में लोड हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि सेव होने के बाद वो कैसे दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीडीएफ फॉर्मेट में प्रीव्यू हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो डेस्टिनेशन में जो सेव एज पीडीएफ ऑप्शन है, ठीक है, अगर इनकेस आपके ब्राउजर में ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो प्रिंट देने के बाद, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चेंज बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रिंट डिस्टिनेशन है, इस डिस्टिनेशन में से जो पहला सबसे पहला ऑप्शन है सेव एज पीडीएफ का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्टिनेशन में सेव एज पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसे सेव कर देना है। ठीक है, अब आपने सेव कर दिया इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीडीएफ फॉर्मेट में वेब पेज का कंटेंट सेव हो चुका है और हम अब इसे ओपन करके देखते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेब पेज का कंटेंट हमने सेव किया है पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट देकर, ठीक है, वो यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ मैं सेव होने के बाद। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कंप्लीट पूरा का पूरा आर्टिकल का पूरा कंटेंट सेव हो चुका है, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसे मैं कभी भी ओपन करके आसानी से पढ़ सकता हूँ, उसके लिए मुझे कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज, आप समझ गए होंगे कि किसी भी वेब पेज के कंटेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे सेव किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह की नई नई जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।